राजस्थान के अंदर एससी एसटी वर्ग के लोगों के द्वारा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन राजस्थान के अंदर यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि राजस्थान के एसटी एससी वर्ग के द्वारा कोई आह्वान किया गया हो। मीडिया के अंदर जरूर ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर एससी एसटी वर्ग के द्वारा जो भारत बंद 21 अगस्त को रखा गया है उसका विरोध जताना भी शुरू हो चुका है। राजस्थान के राजसमंद जिले से भील जाति के द्वारा एक आह्वान किया गया है कि 21 अगस्त 2024 को एससी एसटी वर्ग के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसका हम विरोध करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि भारत बंद का हम समर्थन नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें जरूर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा हालांकि एक दिन पहले ही बैठक कर राजस्थान के अंदर 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश एसपी और कलेक्टरों को दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि भारत बंद को लेकर जो अफवाह फैलाए उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कार्रवाई किया जाना भी सुनिश्चित करें। वैसे आपको बता दें कि भील जाति के द्वारा एक बैठक करने के बाद समाज की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके अंदर निर्णय लिया और बाकी जिलों के अंदर भी इसी प्रकार भील जाति के लोग संपर्क करने में लगे हुए हैं कि भारत बंद का हमें विरोध करना है। एससी एसटी के अंदर जो कोटे में कोटा दिया गया है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हम उसको मानते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना चाहिए। इस प्रकार की बातें भील समाज के द्वारा राजसमंद जिले के अंदर एक बैठक करने के बाद कही गई है। भील समाज के उपाध्यक्ष गंगाराम भील के द्वारा ये कहा गया है कि जो लाभ इन जो जातियों को मिलना चाहिए वे लाभ ले रही हैं, लेकिन शिक्षा में जागरूकता की कमी कोई कई जैसे मुद्दे हैं जिसके कारण यह वर्ग आरक्षण सुविधा होते हुए भी पिछड़ा होगा, लेकिन एससी एसटी को जो आरक्षण पहले दिया गया था उसके कोटे के अंदर कोटा देने की बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है वह सभी को मान्य होनी चाहिए। तथा उन्होंने यह भी कहा कि विकास एवं उन्नति की मुख्य धारा में यह समाज नहीं पहुंच पाया हो, उनकी जागरूकता की कमी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्य न्यायाधीशों की पीठ ने जो कहा है जिन्हें अब तक आरक्षण का उपयुक्त लाभ नहीं मिला है उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण कोटे में से विशेष कोटा दिया जाए, यह बात भील समाज के द्वारा कही जा रही है। पदाधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायालय के उक्त आदेश के बाद वंचित वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। यानी उन्होंने कहा कि जो वर्ग इसके अंदर वंचित है जिनको आरक्षण नहीं मिल पाया है उनको राहत मिलने की उम्मीद जगी है, परंतु आरक्षण का निरंतर लाभ लेते आ रहे लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त लाभार्थी समुदाय से जुड़े कतिपय संगठनों ने इसके विरोध में जो बुधवार को बंद का आह्वान किया है, लेकिन राजस्थान भील समाज विकास समिति द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बंद को लेकर आपत्ति एवं रोष भी जताया। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश में समाज में यह उम्मीद जगी थी कि ऐसे में समाज न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग भी रखी कि अदालत के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार को यानी सरकार को तत्काल कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार 21 अगस्त को जो एससी एसटी वर्ग के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है राजस्थान के अंदर इसका कितना असर रहता है ये तमाम बातें देखने वाली होंगी, लेकिन राजस्थान के कई वर्गों के द्वारा इसका विरोध जताना भी शुरू किया जा चुका है। देखते हैं 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद का आह्वान एससी एसटी वर्ग के द्वारा किया गया है वह सफल हो भी पाता है या नहीं, और राजस्थान के अंदर खास रूप से शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास पुलिस और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं उसके अंदर सभी समाज को मिलकर आपस में प्रेम भाव बनाते हुए भाईचारा बनाते हुए और प्रशासन और पुलिस को सहयोग देने के लिए आगे भी आना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।